कोरोना काल के संकट की घड़ी में नागपुर में खून की कमी को देखते हुए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन स्वर्गीय आशा देवी व्यास सभागृह में किया गया। इस रक्तदान शिविर को शहर के लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कोरोना काल के संकट के घड़ी में नागपुर में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन स्वर्गीय बचराजी व्यास स्मृति प्रतिष्ठान, विधायक गिरीश व्यास मित्र परिवार, बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था तथा श्री दादी समाज समर्पण सेवा समिति इनके संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय आशा देवी व्यास सभागृह में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भव्य रक्तदान शिविर में उम्मीद ब्लड डोनेशन कैंप को शहर वासियों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इस रक्तदान शिविर में भाजपा के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ शहर के युवाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। इस मौके पर तमाम आयोजक, संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। इस रक्तदान शिविर के बारे में आयोजकों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, दान में दान सबसे दान, रक्तदान यानी श्रेष्ठ रक्तदान, ब्लड डोनेशन को कहा गया है। और इस समय में हम आशा देवी कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे आशा देवी व्यास कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप जारी है, जिसके चलते बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हुए रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में विधायक गिरीश व्यास जी है, आइए उनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार रक्तदान लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? वैसे तो हम हर साल रक्तदान शिविर करते हैं और वो माननीय नितिन जी गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर 27 मई के दिन करते हैं। पर इस बार जो अखबारों में पढ़ा और कोविड की परिस्थिति में रक्त की कमी की जो खबरें आई, उन खबरों से हमने भी थोड़ा सा सोचकर इसको हमने काफ़ी पहले लेने का निर्णय किया। हमारी जो संस्था है, पंडित बचराजवा स्मृति प्रतिष्ठान, समर्पण सेवा समिति, बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था, दादी समाज परिवार, हमने इन सब लोगों ने मिलाकर यह कार्यक्रम जल्द से जल्द करके लोगों की सेवा में ज़्यादा ब्लड जाए, इसका प्रयत्न हमने किया है। कोरोना सब जगह है, पर कोरोना के अंदर कहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है कि अदर देन बाकी भी जगह पर ब्लड खूब आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख के ये कोरोना का काल में हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। जो ब्लड की कमी कहीं ना कहीं जा रही है, उसके चलते ये कामकाज किया जा रहा है, ऐसे गिरीश व्यास इनका कहना है। अब हम सीधा रुक करेंगे शहर के माने जाने अधिवक्ता कैलाश व्यास हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। कैलाश जी, ये बताए क्या कहना चाहोगे? ये जो गिरीश जी करते हैं हर साल, हर साल नितिन जी गडकरी के जन्मदिवस अवसर पर करते हैं। इस वक्त जरा सा कोरोना का काल, महामारी है और ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है नागपुर शहर में, इसलिए इन्होंने इस वक्त जल्दी करने का भी निर्णय लिया है। हम गिरीश जी हमेशा सामाजिक कार्य के लिए आगे रहते हैं और उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ उस मामले में। बिल्कुल, तो इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश चांडक, जो कि शहर के बहुत बड़े तज्ञ है, वे यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कामकाज किया जा रहा है। खून का बड़ा अपना एक महत्व होता है। सर, ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते शहरों में खून की कमी नज़र आ रही है और इस प्रकार के कैंप लेना कितना कामकाज करती है? ये जो कोरोना अपने जो फैल रहा है, उसके कारण सब तरफ देखा जाए तो ब्लड कलेक्शन होना बहुत ही कम हो गया है। कोई भी कॉलेज में बोलिए, मेडिकल कॉलेज में, आईजीएमसी में, आजकल ब्लड का कलेक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। तो गिरीश जी के माध्यम से जो एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके कारण देखिए सर्जरी वैसे कम हो गई है, डिमांड भी वैसे कम हो गई है, लेकिन जब भी इमरजेंसी में आती है तो ब्लड नहीं मिलता है। इसलिए इस तरीके से जो गिरीश जी ने कार्यक्रम किया है, इससे लोगों को ज़रूर फायदा होगा, जन जागृति होंगी। अभी भी लोगों ने ये करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। साथ में मेरी भी इच्छा है, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, उन लोगों ने आगे आके प्लाज्मा भी डोनेट करना चाहिए, जिससे खुद के तो इनके अच्छे हो गए, लेकिन इसके इनके माध्यम से वो दूसरों का भी भला कर सकते हैं, भगवान के कारण वो भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसी मेरी सबसे गुजारिश है। गलत है उनका, हर आदमी अपने समय के हिसाब से 50 साल 55 साल के हिसाब से 3 बार बिल्कुल साल में लगे तो 3 महीने के बाद में वो दे ही सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता है यदि कोई तकलीफ नहीं हो तो। आगे आना चाहिए उन लोगों ने, परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना कारण बहुत से लोग बाहर नहीं निकलना पसंद करते, लेकिन यदि वो आगे आएंगे तो उसके कारण उनको फ़ायदा ही होगा, लोगों का भी फायदा होगा और ब्लड डोनेशन के ऐसे कार्यक्रम में बिल्कुल सामने आके करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है भाई।
बिल्कुल, तो आप थे डॉक्टर सूर्य चंडक, जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जो लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं, ब्लड का एक जो बहाव है वो निकलना चाहिए। इम्प्योर ब्लड यदि निकलता है तो प्योर ब्लड आता है और इसमें एक तरोताज़ा आता है, एक ताकत सी आती है और समाज देश के कामकाज में ये ब्लड सर्वश्रेष्ठ ऐसा होता है। सभी लोगों ने ब्लड रक्तदान करना चाहिए क्योंकि दान में दान रक्तदान को भी श्रेष्ठ माना गया है। कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।